सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज ना हम जा रहे हैं फिर से, जैसे तुमने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा, डिफेंडर चलाने। तो डिफेंडर की टेस्ट ड्राइव लेते हैं और डिफेंडर को बताऊंगा कि भाई वो वैल्यू फॉर मनी है। वैसे वैल्यू फॉर मनी तो देखो है, वो काफ़ी ना महंगी भी है, जैसे कि बता भाई 1.5 करोड़ के आसपास जाती है। और बाकी देखते हैं क्या फीचर आते हैं उसमें 1.5 करोड़ के हिसाब से, और भाई कैसी चलती है वो 1.5 करोड़ के हिसाब से। देखो पैसा भी ना इतना मोटा है ना उसका, तो 1.5 करोड़ मुझे बोलना पड़ रहा बार बार। तो उस हिसाब से देखते हैं कि उसमें क्या फीचर और कैसी चलने में और क्या क्या भाई उसका साइज़ है। देखो साइज़ तो बहुत ही बिग है, उसको बहुत ही बड़ा है, सबसे बड़ी SUV आती है कार में से। तो अब देखेंगे कि क्या सीन रहेगा उसका। तो अभी चल रहा है शोरूम लैंड रोवर के, ठीक है। और भाई देखते हैं वहाँ गाड़ी की, आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा, गाड़ी का वॉक अराउंड दे दूँगा अगर आप चाहो। और आप लोग ये बताओ ज़रा कि आप थोड़ा यार सपोर्ट क्यों दिखा रहे हो। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आ रही है तो बताना, अगर आपको लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी की देखनी है तो वो बताना, जिस हिसाब से देखने कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो अभी चल रहा है भाई लैंड रोवर के शोरूम। और भाई ये देख लो ज़रा हमारे कॉलेज का चिल जोन, मतलब कि यहाँ पर सारे लोग चिल मारते और मज़े करते हैं। अपने को क्या, हमें तो गाड़ी चलानी है क्या भाई कोई चिलबिल नहीं करना, हमें तो जाना है भाई लैंड रोवर के शोरूम सीधा। भाई इतनी धूप में बंदे, हमें गर्मी लग रही है, ये सारे कैसे बैठे हैं धूप में? बैठे रहने दो हमें क्या भाई, कितनी अकलमंद देख, उस पे जूम करो, लड़की है ना नोटबुक लगा रखी सर पे। कहाँ 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 ये तो रही चाहिए भाई, नोटबुक सर पे लगा रखी है लेकिन बैठी है धूप में। कोई बात नहीं भाई, वंश को कुछ काम है वो काम करे फिर हम निकलते हैं। तो भाई आगे हम शोरूम देखो, ये ना जैगवार और लैंड रोवर बगल में ही है और हमें चलानी है भाई रेंज रोवर डिफेंडर। अंदर तो पार्किंग नहीं होगी, अब जरा पार्किंग देखा पार्किंग कहाँ पे। तो भाई हम आ चुके हैं जैगवार और लैंड रोवर के शोरूम। तो भाई दोनों अटैच ही थे तो फिर एक ही शोरूम था ये। वो भाई जैसे शोरूम में घुसे हमें देखी भाई लिफ्ट, मैंने कहा लिफ्ट कौन लगा था शोरूम में, तो इन लोगों ने लगा रखी थी और सबके लिए थी। और भाई मैं पहली बार आ रहा हूँ कोई लग्जरी ब्रांड के शोरूम, एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा रहेगा। और भाई शोरूम के अंदर आती हमें एफ टाइप देखने को मिली भाई, और एफ स्टाइल भी थी भाई साहब, भाई क्या क्या गाड़ियाँ थी यहाँ पे, मैं तो देख के पागल हो गया। और भाई इसका इंटीरियर देखो कितनी नीचे गाड़ी थी, लेकिन लग बहुत सही रही है भाई, स्पोर्टी लुक पूरा। और भाई आ चुके हैं जो हमारा मेन टॉपिक था अपना डिफेंडर की टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। और भाई चला रहे हैं हम डिफेंडर, और डिफेंडर भाई अंदर से इतनी ह्यूज थी ना भाई, लेग स्पेस भी हर चीज़ ले लो, और इतनी ऊंची, मतलब हेडरूम भी सही, और जो बैठने की कुशनिंग थी वो भी काफ़ी सही थी यार इसमें। मतलब एक होता है ना कि हम सबसे ऊंचे बैठे हैं, मतलब कि एक राजा वाला फील, तो भाई इस गाड़ी में वही सीन हो रहा था, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि हम सबसे ऊपर बैठे हैं और सारे हमारे नीचे हैं। और एक मिनी ट्रक से तो कम है ही नहीं आ रही है, सही मैं सही बता रहा हूँ, मिनी ट्रक से कम है ही नहीं। और भाई ये जो डीलर है ये पहले से जान पहचान के निकल गए, और ये पहले ही जानते थे मुझे कि भाई आप शालीमार के ही हो ना, मैं आपको कहीं देखा, मतलब भाई कह रहे कि अब मैं आपको पहले से देखा है। छोड़ो ये तो हमारी होगी सारी साइड की बातें, अब हम चलाते हैं भाई गाड़ी डिफेंडर को, यथार्थ चला ली उसमें देख ली, अब मैं देखता हूँ कि कैसी चल रही है। लेफ्ट ले। तो भाई वही दिक्कत है इनका, वाइपर और इंडिकेटर तो उल्टा है ही, तो मैंने चला दिया था वाइपर इंडिकेटर दे देख के इस समय, लेकिन कोई बात नहीं। ये वैसे कंपनी कहाँ की है? ये कंपनी है यूनाइटेड किंगडम की। अच्छा यूके की है। वैसे शिरोके से थोड़ी थोड़ी फास्ट थी। शिरोके में जो आपको ये 2 लीटर चला रहे हो आप, शिरोके जो आती है वो 3 लीटर में आती है। हाँ वो 3 लीटर थी इसका, 3 लीटर तो और भी कौन सा कर दो। अच्छा ऑप्शन है इंजन के तो सबसे। और भाई मैं आपको इस गाड़ी की एक चीज और बताऊं, जैसी मैं इस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठा भाई, एक तो इसका बोनट इतना बड़ा पूरा विजिबल हो रहा है, और तुम ऐसा लग रहा है कि हाँ बस ध्यान से चलानी है, बहुत बड़ी गाड़ी है और मतलब कुछ होने नहीं देना, मतलब ऐसे अंदर से फील आ रही थी पहले से कि हाँ बहुत ध्यान से चलानी पड़ेगी, क्योंकि यार हमने चलाई है छोटी गाड़ियाँ, तो इतनी बड़ी गाड़ी एकदम से आता है ना कोई बंदा, तो उसे लगता है कि बहुत ध्यान से चलानी ही पड़ेगी वैसे भी। और लेकिन भाई चलने में तो भाई बहुत अच्छी थी, जो इसमें आता है भाई 300 BHP और 450 Nm का टॉर्क, इसका 2 लीटर का इंजन पेट्रोल वाला टर्बोचार्ज प्रोवाइड करता है, वो बहुत ही तगड़ा है, मतलब भगने में 9 सेकंड में 100 हो जाती है बहुत प्यार से, इस बंदे ने भी क्या दिया था 9 सेकंड में 100 हो जाती है, लेकिन मुझे लगता था पहले चली जाएगी। इतनी ऊँची तो यार गाड़ी हमने भी कभी रखी नहीं ना, इतनी ऊँची गाड़ी तो हमने भी कभी नहीं लिया। ऊँची गाड़ी आती होगी, इससे ऊँची कोई है ही नहीं। अच्छा जो लैंड वो क्या कहते हैं टोयोटा की वो आती लैंड क्रूजर, वो तो इससे ऊपर की है ना गाड़ी सेगमेंट। लैंड क्रूजर जो गाड़ी है वो हमारी रेंज रोवर स्पोर्ट के सेगमेंट की कार है। अच्छा वो रेंज रोवर स्पोर्ट जी। और सर्विस कॉस्ट क्या आती है इसकी? जैसे कि एक 40 35 40 35 40 35 40 पैकेज भी आता है सब कुछ? नहीं
तो एक बार भाई जरा लेग रूम चेक करो, मतलब मैंने अपने हिसाब से सीट एडजस्ट कर रखी है और भाई लेग रूम इतना आ रहा था ना भाई इसमें, पूछो मत। और भाई मैं आपको इसके फीचर के बारे में बता दूं, देखो थोड़ा थोड़ा ना जहाँ कहीं ना फॉर्च्यूनर वाला हिसाब है ना, तो कहीं ना कहीं इसमें भी है। जैसे कि इसकी हाइट बढ़ा दी है ना, उस हिसाब से इसमें फीचर नहीं दिए गए प्राइस के हिसाब से। जैसे प्राइस के हिसाब से जो एडास होता है ना, एडास भी नहीं मिलता है इसमें, है ना। तो कोई हीटेड वेंटिलेटेड कोई इतना को ऑप्शन नहीं मिलता है, ना कोई मसाजर मिलता है सीट्स में, मतलब ऐसा कोई खास फीचर नहीं मिलेगा जो आपको कोई और दूसरी गाड़ी से अलग बनाएगा इस गाड़ी को। बस इस गाड़ी को अलग क्या बनाता है, इसका ह्यूज सा साइज़ और इसका जो सस्पेंशन है ना, वो ऊपर नीचे भी हो जाता है, तो गाड़ी की हाइट ना बढ़ भी जाती है और डाउन भी हो जाती है। और जो बढ़ के जो इसकी हाइट आती है और भाई जो हम चलाते हैं इस गाड़ी को, वो नेक्स्ट लेवल है, उसका तो मज़ा अलग ही है। आपको 3 करोड़ गाड़ी वाली भी नहीं मिल पाएगा भाई जो इस गाड़ी में मिल रहा है ना। देखो कहीं ना कहीं तुम्हें हाइट चाहिए या तुम्हें प्रैक्टिकलिटी चाहिए, तो उनमें गाड़ी का कहीं ना कहीं कंपैरिजन तो होता ही है। अगर सारी गाड़ी ऐसे बना दी तो कंपटीशन इतना बढ़ जाएगा, लेकिन यार इस गाड़ी के हिसाब से ना, ये गाड़ी पैसों के हिसाब से वर्थ है कहीं ना कहीं। जहां आपको अगर ऑफ रोड ज़्यादा करना है, मेन इसका बस ऑफ रोडिंग है, इससे आप ऑफ रोड ज़्यादा करोगे तो बेटर रहेगा। भाई सभी भाई अपने हेडफोन लगा लेना, अब हम इसका सुनते हैं साउंड सिस्टम। तगड़ा था, मैं कह रहा हूँ भाई हमारी बेस्ट ट्यूब जैसा था, तो साउंड सिस्टम फेंक रहा था, ये बहुत सही था यार इसका। तो भाई हम आ चुके हैं फिलहाल डिफेंडर के शोरूम से बाहर, और भाई उन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक वोटिंग पिला दी, देखो कैन वैन देते हैं, और मतलब भाई भारी ले आया इसको ये भारी लेके देखो आ गया। मतलब यार मैंने ये देखा लग्जरी गाड़ी वाले का ना, मतलब बिहेवियर अलग ही होता है यार। मतलब भाई मतलब कोल्ड ड्रिंक वोटिंग दे रहे हैं, मतलब पूछ रहे हैं जूस है भाई। और यहाँ पे तुम नॉर्मल गाड़ी के शोरूम चले जाओगे ना, वहाँ पे तो तुम्हें कुछ ट्रीट ही नहीं करेंगे भाई। मजाक सेट के मैं सही बता रहा हूँ, इनका ना बिहेवियर तुम्हें अलग ही मिलता है। अगर तुम जाओगे ना एक दिन भाई, एक दिन लग्जरी शोरूम जरूर जाना, तुम्हें एक्सपीरियंस अलग ही मिलेगा भाई। मजाक सेट के एक्सपीरियंस तो बढ़िया नहीं भाई, बहुत सही। और गाड़ी का एक्सपीरियंस बता तू मैं कैसी भाई, गाड़ी का एक्सपीरियंस तो भाई पूछो मत। मतलब इतनी बड़ी गाड़ी, ऐसा लग रहा भाई मैं एक छोटा ट्रक चला रहा हूँ। मजाक सेट के छोटा ट्रक होता है ना, उस हिसाब से माना छोटा ट्रक चल रहा है। और मैं कह रहा हूँ भाई मैं चला रहा हूँ, मतलब थोड़ा डर सा भी लग रहा है कि भाई कुछ हो ना जाए, क्योंकि कभी इतनी बड़ी गाड़ी चलाई नहीं हमने भाई। मैं इसको उतर के वही कह रहा था, पहले मैंने ड्राइव ली थी, मैं इसको कहा भाई आराम से चलाइए, रिस्की मामला लग रहा है। हाँ मुझे ये कह रहा था कि आराम से चलाइए, क्योंकि ना भाई थोड़ा दिक्कत है, मतलब थोड़ी बड़ी गाड़ी ना तो एक्सप्रेस होता नहीं है। और यहाँ पे तो रोड दिखाना है, इतनी कंजेस्टेड है, तो यहाँ पर भाई डिफेंडर ज्यादा वन लेन है और कंजेस्टेड भी है भाई, तो इसलिए तो फर्क पड़ता है उससे, और हमें ध्यान से चलानी पड़ी। लेकिन भाई नो डाउट गाड़ी काफी अच्छी थी, लेकिन थोड़ी यार ओवर प्राइस नहीं लगी, और फीचर के हिसाब से कुछ नहीं था उसमें। ओवर प्राइस थी, मतलब सही भी कह सकता है, क्योंकि लैंड क्रूजर वगैरह तू देखेगा तो बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है। हाँ और इसका साइज भी उनसे बड़ा है, लेकिन ये फिर भी 1,30,00,000 की पड़ रही थी भाई, लेकिन साइज बहुत ही बड़ा था। और मैं कह रहा हूँ फॉर्च्यूनर से देखो ओवर प्राइस नहीं है, फॉर्च्यूनर तो बहुत ही ओवर प्राइस है, ठीक है। लेकिन हाँ फॉर्च्यूनर से ओवर प्राइस नहीं थी, लेकिन थी ओवर प्राइस, क्योंकि फीचर काफी कम थे, फीचर काफी कम थे यार, काफी कम फीचर। उन्होंने हमें काफी गाड़ी भी दिखाई, और रेंजर को डिफेंडर भी दिखाई, और काफी गाड़ी भी दिखाई उन्होंने, है ना। मतलब तो सही बताए तो रेड लाइट अच्छे से ट्रीट कर रहे थे हमको ये, तो भाई इनका ट्रीट भाई जो करते भाई काफी अच्छा कर रहे हैं ट्रीट। मैं कह रहा हूँ मतलब ऐसे एक्सपीरियंस कहीं नहीं मिला, कितने शोरूम चला गया आपको भी पता है, लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मिला। और हम एक दिन BMW इनमें भी जाएंगे, एक बार ट्राई करेंगे कि यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहता है भाई। तो भाई यही था आज का भाई व्लॉग, और बताना अगली बार आपको कौन सी वीडियो चाहिए। अगर लग्जरी ब्रांड में आपको और देखना है, तो जैसे कि ऑडी हो गए, BMW की मर्सिडीज हो गए, काफी होती हैं, तो उनका भी अगर गाड़ी को रिव्यू देखना है, और किस कंपनी की गाड़ी का रिव्यू देखना है बताना आप, और उसकी भी वीडियो लाऊंगा। और बताना आपको ये वाली वीडियो कैसे लगी, और भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, बाय।